हाय गाइस, सिनेमेटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ताज डिवाइडेड बाय ब्लड एपिसोड के 7 और 8 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो अब शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 की। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें अकबर को दिखाया जाता है, जो मुराद को पूछता है प्रताप से सुलह हुई क्या, तो वो कहता है नहीं। इस पर अकबर कहता है होगी भी कैसे, तुम तो शिकार में मशरूफ थे। यहाँ मुराद कहता है सिर्फ शिकार पे नहीं गया था बल्कि आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। अब मुराद हकीम को बंदी बना के अकबर के सामने पेश करता है। ये देखकर अकबर चौंक जाता है। मुराद कहता है आप कहो तो शिकार भी कर दो इसका। अकबर हकीम को पिंजरे से निकाल के गले लगा लेता है और मुराद से कहता है ये कोई चोर या लुटेरा नहीं है जिसे तुम पिंजरे में कैद करके लाए हो, भाई है हमारा, मुगलों का खून है इसमें। इस पर मुराद कहता है इसने मुगलों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। यह सुनकर हकीम कहता है मैंने मिलाया, अरे तुमने मिलाया मिट्टी में। हकीम अकबर से कहता है तुम्हारा बेटा बुजदिल है, इसने धोखे से हमें अपने जाल में फंसाया, फिर मेरे बेटे को बेरहमी से मार दिया। बुजदिल है तो बुजदिल। यहाँ अकबर गुस्से से मुराद को कहता है हमारी इजाज़त के बगैर खानदानी इंसान का कत्ल करने की जरूरत कैसे की तुमने, ये मुगलों के तरीके नहीं है। और यहाँ अकबर मुराद को चाटा भी मार देता है। यहाँ सलीम और दानियाल आ जाते हैं। यहाँ अकबर हकीम को कैद खाने में ले जाने का हुक्म देता है। अब वो जियाज बे को गले लगाता है। यहाँ दोनों बातचीत करते हैं और जियाज बे कहता है शाह सलीम की वजह से हम यहाँ सही सलामत आए हैं। सलीम कहता है यह सब तो दानियाल की बहादुरी की वजह से हुआ है। अब आपको आपके शहजादे को मैदानी जंग में देखना चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि शेर के मुँह में लहू लग गया है। अकबर दानियाल को शाबाशी देता है और कहता है आखिर बेटे किसके हो। दानियाल कहता है आप खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। अकबर कहता है लाहौर में तुमने जो किया इसके लिए हम तुम्हें लाल डेरे से नवाजते हैं। यह सुनकर दानियाल काफ़ी खुश हो जाता है और सलीम को कहता है तुम्हारा तोहफा तुम्हारे हेरम में है, मान भाई को काफ़ी खूबसूरत बेटा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सलीम इस बात से खुश नहीं है। अब अकबर जियाज को अपने दीवाने खास में शामिल कर लेता है। अब सलीम हैरम में चला जाता है। यहाँ जोदा बेगम कहती है जाओ अपने बेटे से मिलो। अब मानबाई खुशरो को लेकर सलीम के पास आ जाती है लेकिन सलीम ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा है। जोदा बेगम कहती है तुम अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, हम आते हैं। यहाँ सलीम की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अनारकली को ढूंढ रही है। वो मानबाई से कहता है मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अब वो अनारकली से मिलने चला जाता है लेकिन दरवाजे पर तो लॉक लगा है। यहाँ अनारकली उसे एक खिड़की से आवाज़ देती है। सलीम कहता है इतने दिन तुमसे दूर रहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। अनारकली कहती है मुझे भी। सलीम कहता है अब और इंतज़ार नहीं होता। इस पर अनारकली कहती है मेरे पास कैद खाने की चाबी नहीं है। अब सलीम एक तरकीब लगाता है और उस रूम की पिछली साइड की खिड़की तोड़ के वो अनारकली से मिलने के लिए अंदर आ जाता है। यहाँ अनारकली और सलीम दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ अनारकली कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। यहाँ हेरम में बादशाह आ जाते हैं। वो पूछते हैं सलीम कहाँ है। जोदा बेगम कहती है वो अपने बेटे के साथ है। इस पर गुस्से से अकबर कहता है वहाँ नहीं है वो। अब वो गुस्से से अनारकली के रूम की तरफ जाता है। वो वहाँ अनारकली को अकेला देखता है और कहता है मुझे ऐसे आना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे याद आया कि काबुल के हादसे के बाद जो तुमने मेरी देखभाल की है उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर पाए हम। अनारकली कहती है इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। अकबर कहता है मेरी जान चली जाती तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता। अनारकली कहती है मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अकबर पूछता है तुम्हारे एक एहसान के बदले कुछ ऐसा है जो हम तुम्हें दे सकते हैं, आज़ादी खो देना मौत से बेहतर होता है और इंसान को हर वक्त के लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए और ये मत भूलना कि तुम किसकी हो। अनारकली यहाँ काफ़ी डर जाती है। यहाँ बादशाह कहता है आज कुछ अलग ही महक आ रही है तुम्हारे जिस्म से। अनारकली कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगले सीन में अकबर की तीनों बेगम वापस एक बार अगले बादशाह के बारे में बात कर रही है। जोदा बेगम कहती है सलीम में कई खामियां हैं लेकिन वो अगला बादशाह बन सकता है। इस पर रुकैया बेगम कहती है माफ़ करना, सलीम में तो बहुत खामियाँ है, वो बादशाह नहीं बन सकता। जोदा कहती है मुराद और दानियाल से तो काफ़ी अच्छा है सलीम। रुकैया कहती है कनीजों के पीछे रहना, हमेशा अफीम के नशे में रहना और गैर जिम्मेदार होना अगर काबिलियत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
एक और बेगम कहती है, बात काबिलियत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है और सल्ले में वो नहीं है। यहाँ अकबर आ जाता है जो बहुत गुस्से में है। वो कहता है, अपने बच्चे की ज़रा भी चिंता नहीं है सलीम को। रुकैया कहती है, अगर सलीम नहीं तो कौन करेगा खुसरो की देखभाल, उसकी माँ उस हालत में नहीं है। अब हम दुर्जन और मानसिंह को लाहौर की जंग के बारे में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ मानसिंह पूछता है कि ये जीत दानियाल ने दिलाई है, तो दुर्जन कहता है, आपको क्या लगता है? शाह सलीम अय्याशी करता है लेकिन वो एक अच्छा योद्धा है। मानसिंह कहता है, लेकिन उसका बर्ताव हमारी बहन के लिए अच्छा नहीं है। दुर्जन कहता है, हम सब जानते हैं घर गृहस्थी उनके बस की नहीं है। मानसिंह कहता है, परिवार की चिंता और हुकूमत से वफादारी दोनों अलग है और कभी मिलनी नहीं चाहिए। अब अगले सीन में हम अकबर, बीरबल और अबुल फजल को देखते हैं जो सलीम की और एक शादी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बीरबल कहता है, क्या एक काफ़ी होगी सलीम के लिए? तो अकबर कहता है, ठीक है दो ढूंढो। यहाँ अबुल फजल कहता है, दानियाल का क्या, उसने भी अभी तक शादी नहीं की है। यहाँ अकबर सलीम और दानियाल की शादी करने का फैसला कर लेता है। अब अकबर बीरबल से कहता है, हमारी दिली तमन्ना है कि हम अपने पोते खुसरो को हमारे बेटे की तरह पाले, कौन जाने शायद वही हमारे तख्त का असली वारिस हो। तुम्हें मानबाई के पास जाकर खुसरो को हमारे पास लाना होगा। बीरबल कहता है, जापना, एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करना एक सांप के बिल में हाथ डालने जैसा होगा। अकबर कहता है, ये काम तुम्हें हमारे लिए करना होगा बीरबल, तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है हमारे पास। अब हम सलीम को देखते हैं। यहाँ दुर्जन कहता है, आज तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। सलीम कहता है, खुशी का मौका है, ये निकाह सिर्फ वक्त और दौलत की बर्बादी है, जिस्मानी ताकत जो ख़त्म होती है वो अलग। दुर्जन कहता है, मैं अगर आपकी जगह होता तो शराब पर थोड़ा काबू रखता, आपको दो दो बीवियों को जो खुश रखना है आज रात। सलीम कहता है, मैं समझूंगा दोनों ही अनारकली है, ऐसा पहले भी काम आ गया था। अब अगले सीन में हम दानियाल और विवान को देखते हैं। दानियाल कहता है, काश अम्मी भी यहाँ होती। यहाँ विवान रो रहा है। दानियाल कहता है, रोना बंद करो। विवान कहता है, कहीं ये निकाह तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हो रहा? दानियाल कहता है, इतना रश्क तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। विवान कहता है, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? दानियाल कहता है, हमारे तुम्हारे बीच में वैसा ही रहेगा जैसा है। फिर भी विवान रो रहा है, इसीलिए दानियाल गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है। अब हमें सलीम और दानियाल का निकाह दिखाया जाता है। सलीम का निकाह जगत गोसावी और साहिब जमाल के साथ हो जाता है। अब अगले सीन में हमें बीरबल को दिखाया जाता है जो खुसरो को मानबाई से जुदा कर रहा है। अपने बच्चों को दूर जाता देख मानबाई सबको श्राप देती है और बीरबल भी ऐसा करते हुए खुश नहीं लग रहा है। अब हमें अबुल फजल को दिखाया जाता है। यहाँ विमान अबुल फजल को दानियाल की अम्मी की फ़ोटो देता है। अब हम सलीम की सुहागरात देखते हैं। यहाँ उसे एक तोहफा मिलता है, उसमें लिखा है, मेरे भाई आपकी निकाह के लिए ये मेरा तोहफा। अब उस तस्वीर को देख के सलीम चौंक जाता है। वो हड़बड़ी में दुर्जन के पास आता है और कहता है, मुझे नारकल के पास जाना है। दुर्जन कहता है, शाह सलीम आप ये सब छोड़ दीजिए। सलीम कहता है, ये आखिरी बार है, तुम्हें सब समझाता हूँ। अब दोनों चुपके से खिड़की के जरिए अनारकली से मिलने चले जाते हैं। यहाँ अबुल फजल अकबर को कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आपको मुझे शाही हरम में दाखिल करना होगा। यहाँ अनारकली से मिलने सलीम पहुँच जाता है। वो अनारकली से कहता है, जानता हूँ तुम कौन हो और मैं दानियाल का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। अगले सीन में विमान दानियाल को कहता है, वजीर आलम अबुल फजल ने मुझे भेजा है, आपको हमारे साथ आना होगा। यहाँ अनारकली सलीम को कहती है, मैंने कोशिश की लेकिन आपको बता नहीं पाई, आपकी मोहब्बत ने मुझे जीने की उम्मीद दी। सलीम कहता है, कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती है अनारकली। अनारकली कहती है, कुछ मोहब्बतें शुरू ही ना हो तो बेहतर है, इस आखिरी मुलाकात की याद अपने साथ रखना चाहती हूँ। अनारकली सलीम को गले लगा लेती है। यहाँ अबुल फजल, अकबर और दानियाल आ जाते हैं। ये देखकर अकबर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और दानियाल अपनी अम्मी को देखकर चौंक जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आठवें एपिसोड की शुरुआत में हमें दानियाल दिखाया जाता है जो रो रहा है। यहाँ अबुल फजल उसे कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी माँ है तो मैं आपको बताता भी नहीं, मैं तो आप और आपके अबू दोनों को खतरे से दूर रखना चाहता हूँ। यहाँ बदायूं भी आ जाता है और कहता है, आपका भी जी नहीं भरा अबुल फजल, मैं हूँ इनके साथ। दानियाल कहता है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई बदायूं ने, समझ नहीं आता किस पे भरोसा करूँ, सभी तरफ झूठी झूठ है। बदायूं ने कहता है, तो सच की तलाश कीजिए और जंग छेड़िए झूठों और काफिरों के खिलाफ, आपके पास ईमान की ताकत है और उसमें और मुझ पर भरोसा कीजिए,
आपका और मेरा मालिक एक ही तो है। अब दुर्जन, अनारकली और सलीम इन तीनों को कैद खाने में डाल दिया जाता है। अब हम अकबर को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में है। यहाँ जोधा कहती है, उस पर रहम कीजिए, वो इश्क में है। अकबर कहता है, उसकी तरफदारी मत करो। अब हमें कैद खाना दिखाया जाता है। यहाँ सलीम कहता है, यहाँ थोड़ी शराब तो होनी चाहिए। इस पर दुर्जन कहता है, शराब और कनीजों की वजह से तो हम यहाँ है। सलीम कहता है, डरो मत, मैं हम तीनों को यहाँ से निकालूंगा, वादा करता हूँ। दुर्जन कहता है, ऐसे वादा मत किया कीजिए जिसे आप पूरा ना कर सके। आप तो यहाँ से निकल जाओगे, मारा तो मैं जाऊँगा। अब हम मानसिंह को मानबाई के साथ देखते हैं। यहाँ मानबाई कहती है, मेरे सलीम ने कुछ नहीं किया, सब गलती उस कनीज की है, उसे सरेआम फांसी दे देना चाहिए। मानसिंह कहता है, मुझे दुर्जन की चिंता है। मानबाई कहती है, अपने बादशाह से रहम की गुजारिश कीजिए। मानसिंह कहता है, वहाँ मेरा बस नहीं चलता। मानबाई कहती है, जब मैं छोटी थी आपके साहस और बहादुरी की किस्से सुना करती थी। आपके परिवार पर कोई उंगली उठाए उससे भिड़ जाने वाले आप चुपचाप अपने बेटे की मौत का तमाशा देख रहे हो। क्या हुआ उस इंसान को, मुगलों का वजीर बनने के लिए आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया है। अगर आप अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो आप में और बाकी गुलामों में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस पर मानसिंह कहता है, मैं गुलाम नहीं हूँ, वजीर लश्कर हूँ मैं। मानबाई कहती है, एक ऐसी फौज का जिसका बादशाह जब चाहे तब आपके परिवार को रौंद सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे। मानसिंह कहता है, अकबर मेरे बादशाह है और रहेंगे। इस पर मानबाई कहती है, अब आप में वो बात ही नहीं रही जिसके लिए हमारे मन में वो सम्मान हुआ करता था। अब हम अकबर को देखते हैं। यहाँ उसके सामने सलीम को लाया जाता है। अकबर कहता है, खोल दो इसे। अकबर सलीम से कहता है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने आए हो। सलीम कहता है, अपनी नहीं, अनारकली और दुर्जन की, उनकी कोई गलती नहीं है। अकबर कहता है, अच्छा अब तुम फैसले भी करने लग गए हो। सलीम कहता है, फैसला लेने का हक तो सिर्फ शहंशाह का होता है, अगर वो भी छीन लिया तो क्या बचेगा। दुर्जन ने आपसे गद्दारी की तो अपने भाई की मोहब्बत के लिए, और मैंने अनारकली की मोहब्बत के लिए। अकबर कहता है, मोहब्बत नहीं फितूर बोलो। इस पर सलीम कहता है, अनारकली का क्या, इतने सालों से आपने उसकी ज़िंदगी मोहब्बत से महरू रखी है। ये सुनकर अकबर शर्मिंदा हो जाता है। सलीम कहता है, अगर इस मामले में कोई जिम्मेदार है तो वो आप है। अकबर कहता है, याद रखो तुम किससे बात कर रहे हो। सलीम कहता है, अब वक्त आ गया है, कब तक बुजलों की तरह छुपते छुपाते फिरेंगे। अकबर गुस्से से उसे चाटा मार देता है। अकबर एक और चाटा मारने वाला होता है, तभी सलीम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं, आप तो दीन इलाही के करता धरता हो। यहाँ अकबर कहता है, एक लफ्ज़ और जिन हाथों से तुम्हारे लिए दुआ की थी उन्हीं हाथों से तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। सलीम कहता है, तो कीजिए। यहाँ मानसिंह भी आ जाता है। सलीम कहता है, अगर आप इतने बड़े बादशाह हो तो उन दो बेगुनाहों को छोड़ दीजिए और मुझे सजा दीजिए। अनारकली मेरे पास नहीं आई थी, मैं गया था। दुर्जन ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा था, मैंने तोड़ा था। तो अगर किसी को सजा होनी चाहिए तो वो मुझे होनी चाहिए। यहाँ अकबर कहता है, ले जाओ इसे। अब हमें चित्तौड़गढ़ का किला दिखाया जाता है। यहाँ महाराणा प्रताप शिकार कर रहे हैं और इन पर यहाँ इकरीस नज़र रख रहा है। यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, मुराद आया है। यहाँ मुराद महाराणा प्रताप से सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मानते, इसीलिए मुराद वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब अगले सीन में अकबर अनारकली से मिलने आया है और उसे कहता है, तो ये तरीका चुना तुमने हमसे बदला लेने का। अनारकली कहती है, किसी से इंतकाम लेने के लिए मोहब्बत नहीं की जाती शहंशाह आलम। आपके बेटे ने मुझे इज्जत दी, उनके लिए मैं मुट्ठी में कैद नहीं थी, जिसे जब चाह सराहा और जब चाह जकड़ लिया। अकबर कहता है, कैद में तो हम भी नहीं रखना चाहते थे अनारकली, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। बादशाह कहता है, हमें बहुत अफसोस है। अनारकली कहती है, अफसोस जताने का समय गया शहंशाह आलम। अब अगले सीन में बीरबल बादशाह से कहता है, कानून बदलने की ताकत आपके हाथ में है, आप उन तीनों को छोड़ सकते हो। अकबर कहता है, बदायूं और उसके लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे अगर ऐसा किया तो। बीरबल कहता है, अगर ऐसा नहीं किया तो उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे, खुद को शहंशाह समझेंगे, और शहंशाह अगर आप कुछ भी करोगे तो भी वो आपकी हिमायत नहीं करेंगे, तो क्यों ना कानून और तारीख दोनों को बदल दिया जाए। अकबर कहता है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, यह फैसला होके रहेगा। अब हमें दरबार दिखाया जाता है। यहाँ अबुल फजल अनारकली सलीम और दुर्जन के गुनाह को सबको बताता है, और यहाँ अकबर सलीम को राजघराने से निकलने का, अनारकली को दीवारों में चुनवाने का और दुर्जन को फांसी की सजा देता है। ये सुन के मानसिंह मायूस हो जाता है।
यहाँ दानल भी ये सुन के चला जाता है। अब हम तीनों बेगमों को देखते हैं। यहाँ रुकिया बेगम कहती है, मुझे दानियाल का अफसोस है, कहीं वो बादशाह के खिलाफ बगावत ना कर दे, फिर मुराद रह जाएगा, उसे कौन झेलेगा। यहाँ वो दानियाल को बुलाने का फैसला करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सलीम की एक और बीवी प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हमें मुराद और फादर दिखाए जाते हैं। यहाँ फादर मुराद को सब्र करने का कह रहा है, बादशाह ने आपको अमन कायम करने के लिए भेजा हुआ है। मुराद कहता है, अब्बू ने मुझे इस जहन्नुम में सड़ने के लिए भेजा है। फादर कहता है, इंसान को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, रहम दिल बादशाह अपने से ज़्यादा अपनों की परवाह करता है। ये सुनकर मुराद गुस्से में कहता है, अपनी नसीहत अपने पास रखो, रहम दिली की यहाँ कोई जगह नहीं है, रहम दिल इंसान हमेशा लटके पाए जाते हैं। यहाँ फादर पूछता है, क्या चाहिए आपको। मुराद कहता है, बराबरी का हक। अब हम बीरबल को अनारकली के साथ देखते हैं, जो अनारकली से अफसोस जता रहा है। यहाँ वो उसे मोहब्बत और आज़ादी में से एक चुनने को कहता है और अनारकली मोहब्बत चुनती है। अब हम दानियाल को देखते हैं, जो शाहरम में आ जाता है और दोनों बेगम दानियाल को कहती है कि इस संतनत के अगले बादशाह तुम हो, तुम नेक दिल हो, सिर्फ अभी तुम्हें एक अच्छा बादशाह बनना होगा जैसे तुम्हारे अब्बू है। ये सुन के दानियाल कहता है, आप अब भी चाहती है कि मैं अब्बू की तरह बनूं? अरे मुझे नहीं बनना उस इंसान की तरह जिसने मुझे मेरी अम्मी से दूर रखा। जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो सबसे पहले इस शाही हरम को आग लगाऊंगा। ये सुन के दोनों बेगम डर जाती है। अब मानसिंह अपने बेटे दुर्जन से मिलने के लिए कैद खाने जाता है। यहाँ वो से कहता है, मुझे तुम पे फक्र है कि तुमने आखिरी दम तक शाह सलीम का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ दुर्जन कहता है, मुझे मरना नहीं है। मानसिंह कहता है, डरो मत, तुम्हारे आखिरी समय में तुम अकेले नहीं होंगे। अब जोधा बेगम सलीम से मिलने आई है। यहाँ वो सलीम को कहती है, बादशाह ने तुम्हें कुछ वक्त सोचने के लिए दिया है और तुम उसे ऐसे शराब में बर्बाद कर रहे हो, अपने बीवी और बच्चों को थोड़ा समय दो। सलीम कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर जोधा कहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन्हें पड़ता है, तुम बिल्कुल अपने अब्बू की तरह हो, जिद्दी और जज्बाती। सलीम कहता है, ये तो आप गलती कर बेटी, मेरे जज्बात लोगों को कुचलते नहीं है। जोधा कहती है, फिक्र उन्हें भी है लेकिन जाहिर करने का तरीका अलग है, तुम उनसे बात करो। इस पर सलीम कहता है, ऐसा करने से क्या अनारकली और दुर्जन बच जाएंगे। जोधा कहती है, वो फैसला तो हो चुका है। सलीम कहता है, आपको मेरा फैसला भी सुनना होगा। जोधा कहती है, एक कनीज के लिए। इतने में सलीम गुस्से से कहता है, वो कनीज नहीं है, वो सिर्फ एक कनीज नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है, और काश आप भी ये समझ पाती। जोधा कहती है, तो फिर अगला कदम सोच समझ कर रखना, पता नहीं हमारी अगली मुलाकात कब होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सलीम की एक और बीवी की डिलीवरी का टाइम आ गया है। यहाँ मानबाई भी आ जाती है और उसे पता चलता है कि सलीम की दूसरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। यहाँ वो कहती है, हमारा घरेलू नुस्खा है, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो गुस्से में सलीम की बाकी दोनों बीवियों पर हमला कर देती है। यहाँ सलीम आ जाता है और उसे रोक लेता है। यहाँ सलीम कहता है, मैं तुम तीनों को वो हक नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम तीनों हकदार हो। अब हम सलीम को देखते हैं, जो गुस्से में अनारकली और दुर्जन से मिलने जा रहा है। यहाँ उसे मानसिंह रोकने की कोशिश करता है। सलीम कहता है, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मानसिंह कहता है, तुम अब शहजादे नहीं रहे और बादशाह का हुक्म न मानने पर मैं तुम्हें यहाँ मार भी सकता हूँ। यहाँ उनकी बहुत सारी बातचीत होती है और मानसिंह की वजह से सलीम दुर्जन और अनारकली से बिना मिले वहाँ से चला जाता है। अब हम मुराद को देखते हैं, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। यहाँ उसे फादर बहुत समझाने की कोशिश करता है। यहाँ मुराद फादर का सिर धड़ से अलग कर देता है। मुराद कहता है, मेवाड़ पर कब्जा हमारा होगा और मेरे खिलाफ कोई होगा या मुझे नसीहत देने की कोशिश करेगा तो उसका भी अंजाम ये होगा। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के एपिसोड 7 और 8। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और इसका फैसला हम करेंगे।